बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करते हैं इंट्रा मलिकुलर एच बर्निंग के बारे में। जो हम पिछले क्लास में इंटर मलिकुलर एच बर्निंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, बट आज हम इस वीडियो में ज्यादातर इंट्रा मलिकुलर एच बर्निंग क्या होती है, किसके बीच में होती है, कैसे होता है और इसकी इफेक्ट सोल्युबिलिटी के ऊपर क्या पड़ती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या पड़ती है और इस प्रकार से एसोसिएशन के ऊपर क्या पड़ता है। इस सारी तमाम चीजों को हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसलिए आप अपनी कंसंट्रेशन और दिमाग को पूरा यहाँ पर इस समय लगा दीजिए। आइए, मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप जेना और मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस को आप सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलना। आइए हम बात करते हैं अभी इंट्रा मलिकुलर एच बर्निंग। बच्चों, जैसे हमने लास्ट जो वीडियो में हम देख रहे थे कि इंटर मलिकुलर के बीच में क्या होती थी ना, दो मलिकुल के बीच में जब एच बॉन्ड होता है उसको हम इंटर मलिकुलर कहते हैं, बट यहां पर हम बात करते हैं इंट्रा मलिकुलर। इंट्रा का मतलब जैसे आप लोग को समझ आ रहा होगा कि विद इन द सेम स्कूल, सेम स्कूल में अगर अलग अलग ग्रुप के बीच में कोई कंपटीशन होती है उसको हम इंट्रा स्कूल कहते हैं। बट उसी तरह आई हम बात करते हैं कि इंट्रा मलिकुलर एच बर्निंग का मतलब क्या है ना, व्हेन एच बॉन्ड इज फॉर्म विद इन द सेम मलिकल। क्लियर? जब सेम मलिकल के बीच में एच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम इंट्रा मलिकुलर एच बॉन्डिंग कहते हैं। और उस कंडीशन में आप इस पॉइंट को यू कैन नोटेड इट। अब उस कंडीशन में क्या होता है ना, इस मलिकल का एक मलिकल के अंदर हाइड्रोजन एटम ना एच एटम इज बॉन्डेड टू ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में क्या होगी ना, हाइड्रोजन एटम क्या करता है, एक फंक्शनल ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एच बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आपको थोड़ा सा इनडेप्थ जाना होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ करके सोचना होगा, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो। आज इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं यहां पर ना थर्ड थिंग क्या होती है ना बच्चों। यहां पर हम देखते हैं कि ये प्लानर मॉलिक्यूल्स में होती है। किसमें होती है ना, प्लानर मॉलिक्यूल्स। प्लानर मॉलिक्यूल्स क्या होती है, जहां पे sp2 हाइब्रिडेशन होती है। अगर आपने मेरे हाइब्रिडेशन वीडियो को नहीं देखा है जरूर सर्च करके, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है हाइब्रिडेशन के ऊपर सारी चीज वहां पे देख लीजिए। सो प्लानर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे sp या sp2 हाइब्रिडेशन होती है, जो पूरे प्लेन में होती है। उस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आइए हम बात करते हैं आगे की बात है ना, आगे क्या होता है ना, ये ज्यादातर जनरली इट अकर्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किसमें होती है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। ये ज्यादातर किसमें होती है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है। आप ऑर्गेनिक का मतलब है जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अभी मैं एग्जांपल जरूर बताऊंगा, आपको बताऊंगा, जस्ट यू वेट फ्यू मिनट्स। आई एम बात करते हैं जनरली इट अकर्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बर्निंग के टाइम और क्या क्या बातें होती है ना, यहाँ पे चिलेट रिंग फॉर्मेशन होती है। क्या होता है ना, चिलेट रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। चिलेट रिंग का मतलब है एक साइक्लिक रिंग या क्लोज रिंग यहां पर फॉर्मेशन होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी पॉइंट है 1 2 3 4 5, ये सारे पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एच बॉन्ड इज फॉर्म्ड
विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सेम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब एच बॉन्ड होती है उसको इंट्रा कहते हैं। दूसरी बात हम कहते हैं कि एच बॉन्ड इज बॉन्डेड टू ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप विद इन द सेम मॉलिक्यूल है। और थर्ड थिंग हम बात करते हैं, ये प्लानर मॉलिक्यूल्स में होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही होती है, और ये क्या करते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं। ये सारी बातें आप अगर दिमाग में रखेंगे आपको ये डिफिकल्टीज नहीं होगी। आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है ना, क्या है ना एग्जाम्पल क्या है इसकी इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का एग्जाम्पल के बारे में इस समय बात करेंगे। क्या होता है ना, बच्चे पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पूछो तो आता नहीं कुछ। सो एक कहावत है, पढ़ लिया सब कुछ आता नहीं अब कुछ। कई बच्चे होते सब पढ़ लेते, जब पूछने के टाइम जब क्वेश्चन आता है कुछ भी नहीं आता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, बार बार और एक नहीं एक टॉपिक को रिवाइज करना है रेगुलर इंटरवल में। आइए हम बात करते हैं एग्जांपल की ना, दैट इज वो नाइट्रोफिनॉल। जो बच्चे 11th में है उनके लिए थोड़ा सा, जो स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते जो जीओसी नहीं पढ़े या हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़े उनके लिए ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मुश्किल की बात हो जाती है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है ये फिनल क्या होता है, लेकिन या नाइट्रो ग्रुप क्या होती है। इसलिए जिन्होंने जीओसी पढ़ लेते उनके लिए बड़े फायदे की चीज है, जब नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना ही जान लो फिनल ऐसे होता है। फिनल क्या होता है ना, बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH फंक्शनल ग्रुप लग जाता है इसको हम फिनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं ना, फिनल कहते हैं। आपको डरना नहीं है, कोई बात नहीं, जीओ से आपने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, दो तीन एग्जांपल है आपको ये समझ लेना है। और दूसरी बात है अर्थो, अर्थो उसको कहते हैं वन एंड टू। अगर इसको मैं वन पोजिशन मानता हूं, क्लियर, दिस इज वन और टू, दैट मीन्स वहां पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं। क्या लगाता हूं, नाइट्रो ग्रुप, एनओ टू ग्रुप। सो वन टू पोजिशन को अर्थो कहते हैं, लेकिन इसको कमन में अर्थो या आईपैक से वन टू करके कहते हैं। सो सेकेंड पोजिशन में जब नाइट्रो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और एक का एच दूसरे की एच के बीच में, यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्लियर, सो आपको समझ आ गया होगा। वन एग्जांपल मैंने यहां पे ड्रॉ किया विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, इसका नाम अर्थो नाइट्रोफिनॉल है। उसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर जब एच बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तब इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हम कहते हैं। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करता हूं, दैट इज सैलिसाइल्डिहाइड। नाउ व्हाट इज सैलिसाइल्डिहाइड, ये भी एक न्यू टर्म्स है यानी न्यू कंपाउंड है, ये भी आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। सैलिसाइल्डिहाइड में क्या होती है, सीएचओ ग्रुप आ जाती है, फिनल के साथ क्या होती है ना, सीएचओ ग्रुप आ जाता है ना, OH के साथ यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप होती है CHO ग्रुप, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होती है ना, एच बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अगर मैं और एक एग्जांपल वन, यू कैन से दैट दिस इज एग्जांपल वन, दिस इज एग्जांपल टू। अनदर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल से थर्ड एग्जाम्पल इज व्हाट ना, दैट इज ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। सो ज्यादातर इंपोर्टेंट जो 11th की बच्चे उनके लिए शॉर्ट नोट के फॉर्म्स में आ जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, और इनके बारे में एग्जाम्पल की तरफ आप समझाइए। तो इस तरह से एग्जाम्पल बड़ा इंपोर्टेंट होती है। आइए हम बात करते हैं यहां पे ना ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ना फिनॉल हो गया OH, और ऑर्थो पोजीशन में क्या होती है ना, फ्लोरो लग जाता है,
यहाँ पे हम देख सकते एच और एफ के बीच में एच बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब यहां से मैं मार्क कर दिया, एच और एफ के बीच में क्या होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, तो क्लियर। इस तरह से मैं थ्री एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू, तो इसको याद रखना है, कई बार आपको ड्रॉ करने पड़ सकता है। आइए हम बात करते हैं इसका इफेक्ट्स क्या है, और अभी हम जाएंगे इसकी इफेक्ट्स की तरफ, क्या इंट्रा मलिकुलर एच बनने की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होती है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, एसोसिएशन के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर और वोलेटाइलिटी के ऊपर ये क्या क्या इफेक्ट करता है, उस बात को आज हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप हिलना नहीं है, आपको थकावट महसूस नहीं करना है, एक इंटरेस्ट आपने अंदर लाना है, आई कैन डू समथिंग इन केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री में कुछ तो करना चाहता हूँ, मैं केमिस्ट्री में अच्छा मार्क लाना चाहता हूँ, मैं केमिस्ट्री को अपने डेली का एक हिस्सा बनाना चाहता हूँ, ताकि आप जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को फॉलो करके केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको उतना याद रहना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज एक डेली लाइफ का, उसको अपने लाइफ केमिस्ट्री का जो है वो केमिस्ट्री के साथ इसको लिंक कर दीजिए, आप भूलेंगे नहीं। आइए हम बात करते हैं ना इफेक्ट्स ऑफ इंट्रा मलिकुलर एच बर्निंग, क्या है ना इफेक्ट्स ऑफ इंट्रा मलिकुलर एच बर्निंग है, इसकी क्या इफेक्ट होती है ना बच्चों। आइए हम बात करते हैं, नंबर वन दैट इज एसोसिएशन। जैसे हमने इंटर मलिकुलर एच बर्निंग में बात किए थे ना, क्या होता है ना, वहां पे बहुत सारे मलिकुल एसोसिएट हो जाती है, इनका नंबर बढ़ जाता है, बट यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे जो मलिकुल ना होने की वजह से, सेम मलिकुल के अंदर होने की वजह से क्या हो जाती है ना, यहाँ पे कंट्रैक्शन इन साइज। ध्यान से आप नोट कर लीजिए ना, एसोसिएशन के टाइम में इंट्रा मलिकुलर एच बर्निंग की वजह से साइज का कंट्रैक्शन होती है। अगर मैं ऑर्थो नाइट्रो फिनल की यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं ना, ओ एच दिस इज एन डबल बॉन्ड ओ ओ, तो यहाँ पे क्या होती है प्लस और माइनस, तो साइज विद इन द सेम मलिकुल, आप ध्यान से देखिए सेम मलिकुल है, इनके बीच में क्या होता है अट्रैक्शन डेवलप होती है, जब अट्रैक्शन डेवलप होती है ओवर एज के बीच में, इसकी साइज क्या करता है कंट्रैक्ट कर जाती है। साइज जब कंट्रैक्ट करता है तो क्या होता है आप बताइए, इसकी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाती है, क्या होता है सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाती है। जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सरफेस एरिया के ऊपर जब डिपेंड करता है, That also decrease, वो भी decrease हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जब surface area decrease होता है, इसकी वजह से van der Waal force of attraction, it is also decreases. So intramolecular H बनने की वजह से क्या होता है, साइज का contraction हो जाती है, और क्या होती है सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है ना, वो भी कम हो जाती है। आई हम सेकंड जो इफेक्ट्स की बात करते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो वहां पे बच्चों हम इंटर में पढ़े थे, ये क्या होता है इंटर मलिकुलर एच बर्निंग की वजह से कोई भी मलिकुलर वाटर के साथ एच बॉन्ड बना लेता है, वो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। बट यहां पर मैं बात करता हूं ना, ड्यू टू इंट्रा मलिकुलर एच बर्निंग है, इसकी जो एच है ये क्या क्या ना यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है, यहाँ पे क्या हुआ इन्वॉल्व हो गया है ना, ये क्या कर सकता है अब वाटर के साथ एच बॉन्ड नहीं बना सकता है, समझ पा रहे हो। अगर आपके पास क्या है ना, दो ही हाथ है सपोज, और आपके दो दोस्त ने क्या किया ना, आपकी दोनों हाथ को पकड़ लिया दोनों तरफ से, लेकिन आप अगर तीसरी दोस्त आता है, क्या आप उसके हाथ को पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास टू हैंड है, आपने दोनों हाथ को क्या किया है ना, पकड़ करके रख लिया है, और तीसरी हाथ आपके पास नहीं है जो आप तीसरी दोस्त के साथ हाथ मिला सकते हो। आइए हम बात करते हैं ना सॉल्युबिलिटी के बारे में, ना सॉल्युबिलिटी में क्या होती है ना, जो एच है यहाँ पे वो क्या करता है विद इन द मॉलिक्यूल, ये क्या क्या ना रिंग फॉर्मेशन कर लिया है, क्या करता है ना रिंग फॉर्मेशन करता है,
और ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। क्या होता है ना, विद इन द मॉलिक्यूल क्या करता है ना, एच बॉन्ड बना चुका होता है, ये खुद इटसेल्फ इन्वॉल्व हो चुका है। इसीलिए हमें क्या करना है ना, ये दूसरे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ अब एच बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है ना, जो एच एटम है डज नॉट मेक एनी एच बॉन्ड विथ सॉल्वेंट और वाटर। यू कैन से वाटर ऑल्सो, तो इसलिए ये एच अब फ्री नहीं है, फ्री होता तो वाटर के साथ भी एच बॉन्ड बना लेता और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता। तो इसी वजह से हमें ध्यान रखना है, अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, या हो सकता है कुछ चीज सॉल्युबल नहीं भी होंगे, क्योंकि जब एच बॉन्ड बनाया नहीं तो सॉल्युबल कहां से होगा। आइए हम बात करते हैं अगला जो फैक्टर है वो हम बात करते हैं ओ एम पी एंड बीपी। थर्ड जो फैक्टर है मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग और बॉइलिंग का मतलब नहीं, मेंटल प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर आपको ध्यान रखना है। एमपी एंड बीपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। बट जैसे बच्चों मैंने बात किया हूं यहाँ पे ना, इंट्रा की वजह से जब सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज करता है, उस कंडीशन में साइज की कंट्रैक्शन होती है। जब साइज का कंट्रैक्शन हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, हमें यहाँ पे देखते हैं ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है ना, एम पी एंड बी पी जो है ये भी डिक्रीज लो होती है, इनकी डिक्रीज और लो हो जाता है, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूलर कंट्रैक्शन होते। उस टाइप से अगर हम फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज व्हाट ना, वोलाटाइलिटी। वोलाटाइलिटी का मैं इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में बता चुका हूं कि जो वेपर स्टेट को चले जाते हैं उनकी क्या होती है, वोलाटाइलिटी ज्यादा होती है। बट यहां पर क्या होता है ना, वोलाटाइलिटी वहां पर कम हो जाता था, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन जब बढ़ता है उस अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए वो लेस वोलाटाइल होते थे। बट यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर में विद इन द मॉलिक्यूल होने की वजह से साइज छोटा हो जाती है, तो इसीलिए सरफेस एरिया कम होती है और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से मोर वोलाटाइल, सो सरफेस एरिया कम होने की वजह से अट्रैक्शन कम हुआ, इसलिए इनकी वोलाटाइलिटी क्या हुआ ना, बढ़ जाता है। आपको क्लास ट्वेल्थ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है अल्कोहल की चैप्टर में, व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनल इज व्हाट ना, मोर वोलाटाइल, बट पी नाइट्रोफिनल है जो पारा नाइट्रोफिनल होती है वो क्या करता है ना, लेस वोलाटाइल है। लेस वोलाटाइल मतलब यहाँ पे इंटर बन जाएगा, पारा पोजीशन में अगर नाइट्रो ग्रुप है तो सिमिलरली ये क्या कर सकता है, दूसरे के साथ इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। क्या करता है ना, इंटर मॉलिक्यूलर एच बन जाता है, बट यहाँ पे ऑर्थो में इंट्रा होती है, इसलिए ये इजिली वोलाटाइल हो जाती है, वेपर स्टेट को चला जाता है। बट इस कंडीशन में दोनों के बीच में होने की वजह से ये क्या होता है ना, लेस हो जाती है। तो जहां पे क्या होता है ना, इंट्रा होती है वो मॉलिक्यूल क्या होता है ना, मोर वोलाटाइल होती है। और लास्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, दैट इज विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, बट अमंग द मॉलिक्यूल नहीं ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है, तो इसलिए विस्कोसिटी भी लेस हो जाता है।
बच्चों मैं आज के लिए इतना ही है। मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दूंगा जो जेई और नीट लेवल की है। बिल्कुल भी मेरे जो चैनल है डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस सब्सक्राइब या लाइक करना ना भूलना है। थैंक यू ऑल।